नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी हो सकता है, कब किसका अकाउंट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आम इंसान तो इसकी चपेट में आते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े सुपरस्टार भी इससे अछूते नहीं हैं। हाल ही में ऐसा यामी गौतम के साथ हो गया। एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया और उससे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। एक्ट्रेस ने अपने सभी फैंस को सचेत किया है और सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है। एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए अपने इंस्टा अकाउंट के हैक होने के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने लिखा, हेलो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कल से ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। शायद मेरा अकाउंट हैक हो गया है। हम इसे जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए मेरे अकाउंट से अगर कोई घटना घटित होती है तो कृपया आप लोग अवेयर रहिएगा, शुक्रिया। हालांकि अभी तक यामी के अकाउंट से कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। फैंस भी एक्ट्रेस के अकाउंट हैक होने से विचलित हैं। यामी को तसल्ली दे रहे हैं कि उनका अकाउंट जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ फैंस तो कारण पता करने में लगे हैं कि आखिर उनका अकाउंट किस मकसद से हैक किया गया है। एक फैन ने लिखा, आपका नाम, फोटो, ईमेल आईडी, यहां तक कि पासवर्ड रिसेट करने के लिए जो ईमेल सेंड होता है वो भी ठीक चल रहा है। फॉलोअर्स, फॉलोइंग, टैग्स, लाइक्स और पोस्ट सब कुछ सेम है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हैकर आपका अकाउंट हैक करके आखिर कर क्या रहा है। यामी गौतम कोई पहली एक्ट्रेस नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। सेलेब्स का सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना तो आम बात हो गई है। इससे पहले एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन नोरा फतेही के साथ भी ये घटना घटित हुई है। नोरा का इंस्टा अकाउंट अचानक दिखना बंद हो गया था। इसके कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने सभी को इस बात की जानकारी साझा की थी, किसी ने उनका अकाउंट हैक करने की कोशिश की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम टीम को उनका अकाउंट वापस दिलाने के लिए शुक्रिया भी कहा था।